नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाटा हैरियर के बारे में। टाटा हैरियर की एक नई फीचर बहुत ही जल्द आने वाली है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी गाड़ी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरीनेस हमें वहाँ पे प्रोवाइड की जाए। तो इसी कस्टमर्स फीडबैक के ऊपर कंपनियाँ भी ध्यान रखती हैं। और अगर आप ह्यूंडई के बारे में बात करते हैं तो ह्यूंडई तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती हैं इसके ऊपर, क्योंकि क्रेटा की अगर आप बात करते हैं वहाँ हमें पहले सनरूफ मिलती नहीं थी, लेकिन अभी क्रेटा में हमें सनरूफ मिलती है एज ए ऑप्शनल। तो इसी वजह से उसकी सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गई हैं। तो कस्टमर्स फीडबैक जो है वो कार कंपनियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। तो अगर आप टाटा हैरियर के बारे में बात करते हैं, टाटा हैरियर को हाल ही में नए कई सारे अपडेट्स मिले हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ आपको टाटा हैरियर के इन्हीं अपडेट्स के ऊपर सारी जो जानकारी है वो आपको हासिल हो जाएगी। तो टाटा हैरियर की अगर आप सेलिंग की बात करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी है इंडियन कार मार्केट में। इस गाड़ी के लॉन्चिंग से पहले ही मार्केट में इसको लोगों ने काफ़ी पसंद कर लिया था। टाटा हैरियर की सभी ड्राइवर्स में आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है, चाहे वो किया सेल्टोस हो या फिर एमजी हेक्टर हो या फिर जीप कंपास हो। हालांकि यहाँ पे आपको क्रेटा में भी सनरूफ देखने को मिल जाती है। तो इसी वजह से इन्हीं कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए टाटा ने अभी ये बात ऑफिशियली बता दी है कि ऑफिशियली बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी टाटा हैरियर में भी सनरूफ, लेकिन वो आपको ऑफिशियल एसेसरीज के रूप में ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी आपकी सनरूफ। तो ये आप पिक्चर्स कुछ देख सकते हैं, हमने इंटरनेट से ये कलेक्ट की हैं, ये आप रिजेंबल कर सकते हैं कि टाटा हैरियर को सनरूफ आने के बाद कैसी दिख सकती है टाटा हैरियर, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ने आफ्टर मार्केट करके ये सनरूफ लगाई है टाटा हैरियर में। देखने में काफ़ी अच्छी खासी लग रही है ये गाड़ी। अगर आप टाटा हैरियर की बाकी सारे फीचर्स के भी बारे में बात करें तो वहाँ पर भी हमने काफ़ी डिटेल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि टाटा हैरियर में आपको बहुत ही जल्द सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ड्यूल ट्विन भी देखने को मिलेगी, जो कि ऑर्कोरस व्हाइट कलर में आपको देखने को मिलेगी, एंड कैलिस्टो कॉपर जो उनकी कलर है टाटा हैरियर की, वहाँ पर आपको ये ड्यूल ट्विन फिनिशिंग जो यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालाँकि सभी वेरियंट्स में ये ड्यूल ट्विन जो वेरिएंट आती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ इसके टॉप एंड ट्रिम जो है एक्सजेड वाली, वहाँ पे ही आपको सिर्फ ऑक्रॉस व्हाइट एंड कैलिस्टो कॉपर कलर्स के साथ आपको ब्लैक रूफ की जो फिनिशिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और आप हमने आपको वीडियो के पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर और नए अपडेट्स आ चुके हैं, आप उनके बारे में वीडियो में हमारे चैनल को विजिट करके उन वीडियो को देख के आप जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। अभी के लिए हैरियर के ऊपर इतना ही अपडेट है कि वहाँ पे बहुत ही जल्द आपको एसेसरी के तौर पे आपको सनरूफ मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आते ही हम आप तक ज़रूर पहुँचा देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम हमारे चैनल पर ऐसे ऑटोमोबाइल से जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहते हैं। आप इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसी वजह से हम आपको और थोड़े तस्वीरें दिखा देते हैं टाटा हैरियर के ऊपर। आप इन्हें देखिए, ये रेड एंड ब्लैक जो इसकी ट्यूनिंग आप देख रहे हैं, ये आफ्टर मार्केट की गई है कार। हमने ये पिक्चर भी इंटरनेट से कलेक्ट की है, कुछ कस्टमर्स ने लगभग इस कस्टमाइजेशन के लिए 2 लाख तक की कॉस्ट पड़ गई है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी अपीलिंग लग रही है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको ये लुक कैसी लगी। आज तक के लिए इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों वीडियो में हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े रहने के लिए।